नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़े किस्मत वाले हो आप जो आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में आपको ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है कि दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवनकाल में आने वाली उन कुछ महत्वपूर्ण पलों से आप सभी को अवगत कराने वाले हैं, जिन्हें सुनकर दोस्तों आप सभी खुशी से नाचने लगेंगे। जी दोस्तों आप सभी का घर खुशियों में आने वाले 4 दिनों के अंदर शराबोर हो जाएगा। जी दोस्तों, और ऐसे में आप सभी के दुश्मन जल जल कर खाक हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो भी शत्रु आपसे बहुत ज़्यादा जलते थे, आपसे ईर्ष्या करते थे, हमेशा आपको नीचे पहुँचाने का वह सोचते रहते थे, दोस्तों यश में वो बिल्कुल ही देखते ही रह जाएंगे और दोस्तों जल जल कर खाक भी हो जाएंगे, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परंतु दोस्तों, हम आपको आज के इस वीडियो में वह बात बताने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप अपने शत्रु को भी हरा सकते हैं, जिससे आपका शत्रु भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही अंत तक ध्यान से देखना होगा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनी है, दोस्तों उनमें गजलक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में धन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होने वाली है। दोस्तों, ये योग उन्हीं के जीवनकाल में बनते हैं जो लोग करोड़पति होते हैं, यानी कि दोस्तों अब आपकी राशि में करोड़पति योग का भी निर्माण हो चुका है। दोस्तों, अगले 4 दिन आप सभी के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का शीर्षक है कि बड़े ही नसीब वाले हो आप जो आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है कि दोस्तों आने वाले 4 दिनों का समय आपके लिए भगवान का दिया हुआ कोई वरदान से कम नहीं है। आपके किस्मत का फल आप सभी को आने वाले 4 दिनों के अंदर मिलने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन सी खुशखबरी आप सभी को आने वाले 4 दिनों के अंदर मिलने वाले हैं और दोस्तों कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको आने वाले 4 दिनों तक रखना होगा, ताकि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में कोई भी आप गलती ना करें और दोस्तों ये धन, ये पेशे, ये दौलत आप सभी को मिल जाए, ये ईश्वर जो आपको खुशखबरी देना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। दोस्तों, अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी की राशि में दोस्तों माता लक्ष्मी साक्षात प्रसन्न होने वाली हैं, साक्षात प्रकट होने वाले हैं और दोस्तों आपके जीवनकाल में यश में माता लक्ष्मी का वास होने वाले हैं। और दोस्तों, अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी को कौन कौन से संकेत मिलने वाले हैं, दोस्तों उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी हम आप सभी को आज के वीडियो में देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले 4 दिनों के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये उपाय को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इन्हें मिस कर देंगे तो दोस्तों आपको अपने किस्मत का धन नहीं मिल पाएगा और दोस्तों जीवन काल में आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप आज के इस वीडियो को भूल कर भी मिस ना करें और दोस्तों इन्हें अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ही कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और साक्षात दोस्तों भगवान श्रीदेव की आप सभी को कृपा प्राप्त हो। इनके लिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कर्म के दादा भगवान शनिदेव ही हमारे जीवन काल में कर्मों का फल हमें देते हैं। इसलिए दोस्तों शनिदेव को प्रसन्न करना हमेशा व्यक्ति का धर्म होता है और दोस्तों अगर जो भी व्यक्ति अपने काल में इस धर्म का पालन करता है, दोस्तों उनके जीवन काल में भगवान शनिदेव हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीख देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए जानना और आपको सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल में आने वाले 4 दिनों के अंदर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में आपको करोड़पति बनने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में दोस्तों करोड़पति योग बनने वाले हैं, क्यों दोस्तों गजलक्ष्मी नाम का योग का निर्माण आप सभी की राशि में हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी को यश में करोड़ों का लाभ मिलने वाले हैं माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से और भगवान शनिदेव की भी आशीर्वाद से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यश में आपको अपने जीवन काल में क्या करना होगा कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जीवन काल में ये सभी खुशखबरी पाने हैं तो दोस्तों अच्छे कर्म करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों सबसे पहले हम आपको कर्म से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों का बुरा व्यवहार कर्मों का ही फल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता चले कि जो तोहफा आप सामने वाले को जन्मदिन पर दे रहे हैं वही तोहफा आपको आपके ही जन्मदिन पर वापस मिलने वाला है, तो दोस्तों क्या सामने वालों को आप बुरा तोहफा देंगे? नहीं देंगे, आप उन्हें बिल्कुल ही अच्छा तोहफा देंगे ताकि आपको भी अच्छा तोहफा मिले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जी दोस्तों, हमारे जो हम कर्म करते हैं वही हमें भी लौट कर मिलता है। इस बात को जितना जल्दी आप जान लें दोस्तों, उतना ही आप शनिदेव को प्रसन्न कर पाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों हम कई लोग को यही लगता है कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम किसी को शब्द बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, दोस्तों वही हमारा कर्म होता है, वही हमारा बुरा कर्म होता है। दोस्तों ये बात नहीं है, ये भी सही है, लेकिन दोस्तों इसके साथ सच्चाई यह है कि हमारे द्वारा सोची गई अच्छी या फिर बुरी बात भी हमारे कर्म में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सामने वालों के प्रति कुछ भी सोचते हैं तो दोस्तों वही हमारे ऊपर घूमकर वापस आते हैं। यदि हम सामने वालों के प्रति बुरा सोचेंगे तो दोस्तों वो भी हमारे प्रति बुरा ही सोचेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा कि आपने किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन फिर भी वह आपके साथ बुरा करता जाता है। दोस्तों आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वे संभलते ही नहीं हैं। जब हम इन सुधार की कोशिशों से हार जाते हैं तब हम भी बदलने में उस इंसान के साथ और बुरा करने लगते हैं, हम यहीं पर गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको जान लेना चाहिए कि आपने भले ही इस जन्म में उस इंसान का यानी कि उस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन आपने पिछले जन्म में ज़रूर उस आत्मा के साथ इतना बुरा कुछ किया होगा। जानबूझकर भले ही नहीं किया होगा लेकिन दोस्तों अनजाने में ज़रूर किया होगा। यही वजह है कि इस जन्म में आप उस इंसान के साथ अपने कर्मों को भोगते हैं। जब आप इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते हैं तो आप अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को माफ़ करने में बहुत ही आसानी महसूस करेंगे। आप यह बात जान चुके होंगे कि जो भी आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों के खाते में से ही निकला है। अब अगला स्टेप क्या है? क्योंकि आप अपने पुराने कर्मों को नहीं बदल सकते, इसलिए दोस्तों बेहतर है कि आप उस आत्मा के साथ इस जन्म में कोई बुरा व्यवहार ना करें। जी हाँ दोस्तों, वरना इस जन्म के कर्मों का फल आपको अगले जन्म में मिलेंगे और उसी आपको भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। सामने वाले आपको चोट पहुँचाए तो भी माफ़ करें और उसे बदले में शिकारात्मक ऊर्जा ही दें। उसके उपरांत दोस्तों बीते समय की गलतियों पर पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप कोशिश करें कि आने वाले समय में आप कोई भी गलती ना करें और किसी को नुकसान ना पहुँचें। दोस्तों ये आपके कर्म हैं और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपका कर्म है उसका फल आपको मिलकर ही रहेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के ये जो ज्ञान है दोस्तों इसी के बारे में आज के वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपको ये ज्ञान को बताना था। दोस्तों अगर आपको ये ज्ञान समझ में आई हो या सच्चाई लगी हो, इनमें सच्चाई कुछ लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर ही एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आप सभी के कुंडली में, आप सभी की राशि में गजलक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों बड़े ही किस्मत वाले लोगों के राशि में ये सब योगों का निर्माण होते हैं। जी दोस्तों, जो लोग अपने समाज में, अपने देश प्रदेश में दोस्तों करोड़पति होते हैं, बड़े लोगों में उनकी गिनती होती है, उन्हीं के राशि में, उन्हीं के जुनकाल में दोस्तों ये योग का निर्माण होता है। दोस्तों राशि भले ही लोगों की दोस्तों एक होती है लेकिन दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि कुंडली सबकी अलग अलग होती है। जी दोस्तों, इसलिए यशमी आपकी राशि और कुंडली में ये योग का निर्माण हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों आप शिव के जुनकाल में अब ये खुशखबरी मिलने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। परंतु उनके लिए आपको कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, वो भी हम बात करेंगे। अगले 4 दिनों के अंदर आपको कौन सी गलती नहीं करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आगे भी आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को बता दें
कि आने वाले 4 दिनों के अंदर धन से जुड़ी जो भी समस्याएं आप शिविर के जुनकाल में वो समाप्त होने वाली है। दोस्तों माता लक्ष्मी की असीम की प्रदृष्टि आने वाली 4 दिनों तक आप शिविर के जीवन काल में रहने वाली है, जिनके कारण दोस्तों घर की आर्थिक तंगियाँ आने वाले 4 दिनों के अंदर समाप्त होने वाली है। और दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी आप शिविर के जुनकाल में विराजमान होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगले 4 दिनों के अंदर आप शिविर के जुनकाल में दोस्तों जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी अड़चने हैं दोस्तों, जो भी घर में जो भी समस्याएं आती है दोस्तों, वे सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले 4 दिनों के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। दोस्तों अगले 4 दिनों का समय यकीन मानिए आपके लिए भाग्योदय का समय साबित होने वाले हैं। दोस्तों जो लोग अपने कारोबार में बहुत ही पेशे इन्वेस्ट करके पछता रहे थे, दोस्तों अब आप सभी के जुनकाल में देखिए आपके कर्मों का क्या चमत्कार आप सभी को 4 दिनों के अंदर मिलता है। दोस्तों आप करोड़ों में खेलने वाले हैं। अगले 4 दिनों के अंदर आपकी तरक्की देखकर सारे समाज के लोग भी कहेंगे कि वह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसी। जी दोस्तों, गजब की लॉटरी आप सभी को आने वाले 4 दिनों के अंदर लगने वाली है। जी दोस्तों, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों वह कार्य अब आपका दुगनी तेजी से दौड़ने वाले हैं, यानी दोस्तों आपके कार्यों में अब रफ्तार पकड़ने वाली है। दोस्तों अब आपके भाग्य में गति आने वाली है, किस्मत का आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाले हैं। दोस्तों जो भी आपके फूटे कर्म फूटे नसीब थे वह समय, लेकिन दोस्तों अब आप शिविर का जीवन बदलने वाले हैं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से दोस्तों अब आप शिविर के बुरे कर्मों का फल अब समाप्त होने वाले हैं और दोस्तों आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाले हैं। जीवन काल में आपको भगवान शनिदेव के लिए अब अच्छे कर्म करने होंगे और दोस्तों उनके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि दोस्तों अब आपको अपने जीवन काल में किसी भी असहाय, किसी भी मजदूर, किसी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो भी आपके नीचे काम करते हैं, दोस्तों उनको आपको परेशान नहीं करना है। दोस्तों भूल कर भी परेशान नहीं करना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आप शिविर के जीवन काल में आने वाले 4 दिनों में जो भी फल आप शिविर को मिलने वाले हैं, जो भी कार्यों में गति आने वाली है दोस्तों, वे सब समाप्त हो जाएंगे। बस आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिविर को बता दें कि जो लोग नए रोजगार की तलाश में थे, जो लोग पिछले कई समय से कार्यों की तलाश कर रहे थे, दोस्तों उन सभी का तलाश पूरा होने वाले हैं और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप शिविर के जुनकाल में अब धन की बारिश होने वाली है। कि दोस्तों आपको नए रोजगार मिलने वाली है, मन चाहे रोजगार मिलने वाली है और उनमें आपको इतना लाभ होगा कि दोस्तों धन से आप मालामाल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन काल में आपकी जो भी पेशों की समस्याएं चल रही थी दोस्तों, वे सारी समस्याएं दूर होने वाली है। बस आपको अपने जीवन काल में शत्रुओं से बचना होगा क्योंकि दोस्तों शत्रु आपको हमेशा परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। आप किस प्रकार गड्ढे में चल जाएं दोस्तों, हमेशा वो इस बात का ख्याल रखते हैं। इसलिए दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी में आप इसका ध्यान रखिएगा कहीं कि शत्रु का तो नज़र उन पर नहीं लग रहा है। दोस्तों अगर आप कोई भी कार्य चौकन्ना होकर करेंगे तो दोस्तों आप शिविर के जुनकाल में बहुत ही अच्छा होगा और आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा और आपके कार्यों में भी कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले 4 दिनों के अंदर आपको बस अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि दोस्तों जब भी आप कोई कार्य करते हैं या फिर दोस्तों आप किसी कार्य की दोस्तों किसी को पहचान करा रहे हैं, तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति का आप बात को मत मानिएगा। किसी भी व्यक्ति को आप किसी कार्य को थोप रहे हैं तो दोस्तों किसी तीसरे व्यक्ति को मत बताइएगा। दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे, ऐसा अगर आप अपने जीवन काल में परिवर्तन लाएंगे तो दोस्तों आपका कार्य बनकर ही रहेगा। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि दोस्तों पिछले समय अंतराल में आप सभी के जीवन काल में ऐसे भी घटनाएं हुई है कि जब भी आपका कार्य शुरू होने वाला है, लेकिन दोस्तों कार्य में कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आई है और दोस्तों वह कार्य आपका बंद हो गया है। और दोस्तों कई बार आपको ऐसा भी हुआ है कि आपका जो भी चलता हुआ कार्य है वो भी दोस्तों धीरे धीरे रुक गया है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में ऐसी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपको परेशानी होगी। जी दोस्तों, यश में आपको बता दें कि अपने जीवन काल में आप जो भी रुपये धन को कमाते हैं, जो भी आपके जीवन काल में पेशों के अर्जित करते हैं दोस्तों, उन सभी की जानकारी आप किसी को भी भूल कर भी मत दीजिएगा। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिविर को बता दें कि आने वाले 4 दिनों के अंदर आप शिविर के जीवन काल में
धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली है। और दोस्तों आप शिवी के जुनकाल में गज लक्ष्मी नाम का युग का भी निर्माण होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप शिवी को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, माता लक्ष्मी के प्रति कुछ ख्याल करने होंगे, यानी कि दोस्तों माता लक्ष्मी के कुछ महत्वपूर्ण उपायों को यश में आपको अपनाना होगा, जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और माता लक्ष्मी का वास आपके जुनकाल से आपके घर परिवार से कभी ना उठे। तो दोस्तों ऐसे में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों जो व्यक्ति काम में हमेशा व्यस्त होते हैं, जो घर नहीं आ पाते हैं, तो दोस्तों घर के उपाय अगर आप नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आपको एक सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, जो दोस्तों हम बहुत बार भी बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या करना है कि दोस्तों आपको अपने जुनकाल में कभी भी स्त्री वर्ग के कोई भी है दोस्तों उन्हें आपको अपमान नहीं करना है, दोस्तों उनका आपको बस आदर करना है। दोस्तों अगर आप इस बात का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी की उपाय नहीं भी कर पाते हैं, उनके लिए आप दोस्तों कोई ऐसी क्रिया नहीं भी खरीद पाते हैं, दोस्तों अगर आप मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो दोस्तों आप कोई भी चीज़ को नहीं भी खरीद पाते हैं, तो दोस्तों इस बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी स्त्री वर्ग को आपको अपमान नहीं करना है, चाहे दोस्तों वह स्त्री आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या फिर घर की हो, या फिर दोस्तों समाज की हो, आपके काम पर रहने वाली कोई भी स्त्री हो, दोस्तों सभी का आपको बस सम्मान करना है, नम्र बात से बोलना है। दोस्तों यकीन मानिए इनसे माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता लक्ष्मी का वास कहा जाता है, और दोस्तों अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल में धन से जुड़ी कभी भी कोई समस्याएँ नहीं आने वाली है, और माता लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न भी रहेंगी। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी को और भी कौन से महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए, जो कि दोस्तों आपको करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर कभी भी सकारात्मक ऊर्जाएँ नहीं होंगी, माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको आने वाले 4 दिनों के अंदर अपने जुनकाल में घर के नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने के लिए अपने घर को गंगा जल से छिड़काव करना होगा। गंगा जल को दोस्तों आपको एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर दोस्तों पूरे घर में छिड़काव करके दोस्तों घर को दोस्तों साफ कीजिएगा। दोस्तों अगले 4 दिनों के अंदर ही आपको ये क्रिया करना है। दोस्तों ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, और दोस्तों आपके जुनकाल में जो भी आपको खुशखबरी मिलने वाली है, चाहे दोस्तों वो आपके शत्रु कितना भी चाहे रोकने की, लेकिन दोस्तों वो रोक नहीं पाएंगे और वो धन आप सभी को मिलकर ही रहेगा। तो दोस्तों बस आपको इस उपाय को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस उपाय को कीजिएगा। शायद शायद दोस्तों हम आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जब भी दोस्तों आप सभी को अपने जुनकाल में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पैसा आपका खर्च होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे आपके जीवनकाल में कार्य होने लगते हैं जो दोस्तों बहुत ही बेफिजूल के खर्चे होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके जीवनकाल में ऐसी स्थिति बहुत बार बनती है कि आप पैसे तो अर्जित कर लेते हैं लेकिन दोस्तों आपके पास पैसा टिक नहीं पाता है। दोस्तों वह पैसा किसी न किसी बधाई में खर्च हो ही जाता है। दोस्तों एक मुसीबत आप सभी के जीवनकाल में जाती है तो दोस्तों दूसरी मुसीबत तुरंत ही आ जाती है। तो दोस्तों इन सभी के लिए आपको अपने जीवनकाल में कौन से उपाय करने चाहिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। दोस्तों ये उपाय है कि दोस्तों आपको अपने जुनकाल में मंगलवार के दिन महाबली हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चना का भोग श्रद्धापूर्वक लगाना है। दोस्तों भोग लगाने के बाद वहीं बैठकर दोस्तों 11 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ अवश्य ही करना है। और दोस्तों अगर आपके शत्रु हैं, जो शत्रु परेशान करते हैं, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 4 दिनों के अंदर आपके शत्रु आपको परेशान करने वाले हैं, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो दोस्तों शुरू करने से ही पहले आपको राम नाम का जाप 108 बार करना है और आपके शत्रु का नाम लेना है जो आपको परेशान कर सकता है, उसका नाम ले लीजिएगा। और दोस्तों 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों इन्हें करने से आपके जीवनकाल में जो भी अचानक से होने वाले खर्चे हैं वो दोस्तों कम होंगे, जो भी आपके पेशे नहीं टिकते हैं दोस्तों वे टिकने लगेंगे, और जो भी विघ्न बाधाएं आपके कार्यों में आते हैं वे भी बंद होंगे, और साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपके शत्रु आपको परेशान करने की हमेशा सोचते रहते हैं दोस्तों वो भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, उल्टे उसके ऊपर ही परेशानी आएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस उपाय को कीजिएगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगले 4 दिनों के अंदर आपको इस बात का तो ध्यान रखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर पाउडर बना लें और फिर उस चूर्ण की गोलियां बना लें उसे। इन गोलियों को दोस्तों 2 बार के हिस्सों में बांट दें, एक हिस्से को सुबह और दूसरे हिस्से को शाम के समय घर में चलाएं। दोस्तों इससे घर में जो भी आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो आपके शत्रु आपके घर पर छोड़ देती है, जो भी बाधाएं हैं जो भी आपके घर को बांध देती है, दोस्तों वे सारी बाधाएं समाप्त होंगी, नकारात्मक शक्तियां आप सभी के घर से दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि इनसे आप सभी के जीवनकाल में कभी भी कोई दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा और घर में माता लक्ष्मी का वास बनकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 4 दिनों के अंदर आपको अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे, इससे दोस्तों भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं और ये प्रसन्न ही रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन काला कोयला को लेकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें, उसके साथ ही शंग संचराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप आप 11 बार किस बार भी कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे दोस्तों आपके जीवनकाल में आपको हर वो कार्य होगी जो आप सोचते हैं तथा दोस्तों आपके जीवनकाल में आमदनी बढ़ेगी। और दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में दोस्तों 1 लोटे जल में थोड़ी सी चीनी डालकर इस जल को पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पित करें, इससे दोस्तों आपके जीवनकाल में भगवान शनिदेव प्रसन्न होने के साथ साथ दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। दोस्तों इस उपाय को करना आने वाले 4 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भी हमने आपको उपाय बताए हैं, दोस्तों उन उपाय को आपको सच्चे श्रद्धा के साथ करना है, तभी दोस्तों ये उपाय आपको काम आएंगे। कि दोस्तों जो भी व्यक्ति छल करके कभी भी जो उपायों पर विश्वास नहीं करते हैं, दोस्तों उनके जीवनकाल में ये उपाय काम नहीं करेंगे। दोस्तों आपको उपायों पर विश्वास करना है सच्चे श्रद्धा के बाद, तभी दोस्तों ये उपाय काम आएंगे। शनिदेव पर आपको यकीन करना है, उनके पर अपने जीवनकाल के सारे कार्यों को सौंप देना है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं दोस्तों यकीन मानिए वे सारे कार्य अगर आप शनिदेव पर सौंप देंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो दोस्तों आपके जीवनकाल में सफलताएँ भी मिलेंगी, शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे। बस आपको अपने जीवनकाल में अच्छे कर्म करना है और साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में हर एक दिन अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों आज 4 दिनों में बड़ा ही मौका आपके साथ है, तो दोस्तों प्रतिदिन आप अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, उनका सम्मान जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके लिए भाग्योदय समय है और यह समय आपके लिए आपका नसीब बदल कर ही जाएगा। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।